हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। ये कहानी है ब्रैंडी नाम की एक लड़की की, जो कि अलग अलग तरीके से सेक्स करने के लिए एक बड़ी सी लिस्ट बनाती है। अब इस लिस्ट में लिखे सारे ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ब्रैंडी क्या क्या करती है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम ब्रैंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने हाई स्कूल के फेयरवेल में एक स्पीच दे रही होती है। ब्रैंडी की स्पीच सुनकर सारे लोग वहाँ बोर होने लगते हैं कि तभी एक लड़की पीछे से ब्रैंडी को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम तो अभी तक वर्जिन हो। और ये बात सुनकर सारे लोग ब्रैंडी को ऐसे देखने लगते जैसे कि न जाने उसने अपनी सील बचाकर कौन सा बड़ा पाप कर दिया हो। पर ब्रैंडी इसका कोई भी जवाब नहीं देती और थोड़ा एम्बैरस फील करती है। फेयरवेल खत्म होने के बाद ब्रैंडी जाकर अपने पेरेंट्स से मिलती है, जहां पर उसकी बहन सबके सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपकी हुई होती है। तभी वहां पर ब्रैंडी का एक दोस्त कैमरॉन आता है और वह ब्रैंडी से कुछ कहने ही वाला था कि तभी ब्रैंडी की बहन पीछे से कहती है कि वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर ब्रैंडी कहती है कि तुम तो चुप ही रहो और हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। इतना कहकर वो कैमरॉन से कहती है कि हाँ बोलो, तुम कुछ कह रहे थे। पर यहाँ कैमरॉन कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि वो यहाँ ब्रैंडी से अपनी दिल की बात ही करने आया था। लेकिन ब्रैंडी की बातों से वो समझ गया था कि अगर वो ब्रैंडी को प्रपोज करेगा तो ब्रैंडी उसे रिजेक्ट कर देगी, इसलिए वो अपने प्रपोजल को कैंसिल करके यहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ ब्रैंडी की दो बेस्ट फ्रेंड आती है और ब्रैंडी को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में ब्रैंडी एक टू डू लिस्ट निकालती है, जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी होती है जो ब्रैंडी इस साल अपने कॉलेज जाने से पहले करना चाहती थी। इसके बाद वो तीनों एक पार्टी में जाते हैं और पार्टी में ब्रैंडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो अपने दोस्तों को वापस घर चलने के लिए बोलती है। ब्रैंडी वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी उसकी नज़र रस्टी नाम के एक छपरी पर पड़ती है, जो वहाँ पर गिटार बजा रहा होता है। रस्टी को देखकर ब्रैंडी के अंदर का ठरक जाग जाता है और वो एक शराब की बोतल पूरी तरह गटक जाती है। अब ब्रैंडी ने यहाँ पहली बार शराब पी थी, इसलिए वो यहाँ बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। इस पार्टी में कैमरॉन भी होता है, जो ब्रैंडी को ये सब हरकतें करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद ब्रैंडी के फ्रेंड उसे एक रूम में ले जाती है और वहाँ एक बेड पर लिटा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ रस्टी आ जाता है और वो ब्रैंडी को कोई और लड़की समझकर उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगता है और इस चीज़ को ब्रैंडी भी इंजॉय करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रस्टी लाइट ऑन करता है तो देखता है कि ये तो कोई और ही लड़की है और वो ब्रैंडी को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन इस पूरे घटना के बारे में ब्रैंडी अपने दोस्तों को बताती है कि कैसे रस्टी उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगा था। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है कि कल तुमने रस्टी के साथ इंटीमेट होने का मौका गवा दिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कब कब पलंग तोड़ चुकी होती। अब ये सब सुनकर ब्रैंडी भी ठान लेती है कि इन गर्मियों की छुट्टी में वो भी रस्टी के साथ अपनी गर्मी निकालेगी। अगले दिन ब्रैंडी एक वाटर पार्क में लाइफ गार्ड के जॉब के लिए जाती है, जहाँ रस्टी भी होता है। यहाँ जब ब्रैंडी रस्टी की बॉडी देखती है तो वापस अपने ठरक के समुद्र में गोते लगाने लगती है। इसके बाद ब्रैंडी उस पूल के मैनेजर के पास जाती है, जहाँ वो ब्रैंडी को पूरा पूल साफ करने के लिए कहता है। काम खत्म करने के बाद ब्रैंडी घर आती है और अपनी मॉम से पूछती है कि आपने पहली बार सेक्स कब किया था। यहाँ ब्रैंडी की मॉम कुछ बोलती, उससे पहले उसके डैड बोल पड़ते हैं कि अपने सुहागरात वाले दिन को। इसके बाद हम ब्रैंडी के पेरेंट्स को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ ब्रैंडी की मॉम बोलती है कि हमें ब्रैंडी से सेक्स के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। पर यहाँ ब्रैंडी के डैड इस बात से मना कर देते हैं और कहते हैं कि याद है ना, पिछली बार जब तुमने ब्रैंडी की छोटी बहन से इस बारे में बात की थी तो क्या हुआ था, उसने अपनी सील 15 साल की उम्र में ही खो दी थी। दूसरी तरफ ब्रैंडी की बहन ब्रैंडी को बताती है कि उसने मात्र 15 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। इसके साथ ही वो ब्रैंडी को सेक्स कैसे करते हैं इसके बारे में पूरा ज्ञान देने लगती है और यहाँ ब्रैंडी इन महान बातों को अपने डायरी में नोट कर लेती है। अब ब्रैंडी की हवस बढ़ती जा रही थी, इसलिए ब्रैंडी उसी रात एक टू डू लिस्ट बनाती है, जिसमें किस करने से लेकर सेक्स करने तक बहुत सारी फैंटेसीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। अगले दिन ब्रैंडी ये लिस्ट अपने दोस्तों को दिखाती है तो उसके दोस्तों को ब्रैंडी पर यकीन ही नहीं होता कि ब्रैंडी ये सब कुछ करना चाहती है। अगले दिन वाटर पार्क की ओपनिंग होती है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी आए होते हैं। इसी दौरान ब्रैंडी भी रस्टी को लुभाने का ट्राई करती है, लेकिन तभी कुछ बच्चे आकर ब्रैंडी को पानी में धक्का दे देते हैं। फिर ब्रैंडी पानी से बाहर आती है, लेकिन तभी ब्रैंडी का बॉस आकर ब्रैंडी को वापस पानी में धक्का देता है। फाइनली रस्टी उसे बाहर निकालता है, लेकिन फिर वो भी उसे पानी में धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। शाम को ब्रैंडी अपने बॉस के पास जाती है, जो पूल की सफाई कर रहा होता है, और ब्रैंडी यहाँ अपना बदला लेने के लिए उसे पानी में धक्का दे देती है। थोड़ी देर बाद ब्रैंडी देखती है कि उसके बॉस को तो तैरना ही नहीं आता, जिस पर वो तुरंत पानी में कूदती है और उसे बाहर निकालती है। इसके बाद ब्रैंडी अपने बॉस को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि मैं ये बात वाटर पार्क डिपार्टमेंट वालों से बता दूंगी कि तुम्हें तैरना तक नहीं आता, जिस पर उसका बॉस ब्रैंडी से कहता है कि प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और तुम मुझे स्विमिंग सिखा देना, जिस पर ब्रैंडी मान जाती है। उसी रात ब्रैंडी अपने लिस्ट के पहले टास्क को कंप्लीट करने का डिसाइड करती है, जो था फिंगर बैंक। इसके लिए वो अपने दोस्त कैमरॉन के घर जाती है और उसे किस करने लगती है। फिर वो कैमरॉन को अपने मौत के कुएं में उंगली करने के लिए कहती है और कैमरॉन भी ठीक वैसा ही करता है, और इस तरह ब्रैंडी ने अपने फर्स्ट टास्क को कंप्लीट कर लिया था। फिर अगले दिन ब्रैंडी पूल पर अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है और तभी वो डिसाइड करती है कि आज रात वो अपने लिस्ट का दूसरा टास्क खत्म करेगी, जिसका नाम है हस्त मैथुन। अब रात को ब्रैंडी रस्टी को इमेजिन करती है और फिर मास्टर बीट करती है और इसी तरह दूसरा टास्क भी कंप्लीट जाता है। फिर तभी ब्रैंडी की बहन उसे बताती है
गया कि तुम्हारे लिए कैमरॉन का फ़ोन आया। यहाँ कैमरॉन ब्रांडी से डेट पर चले के लिए कहता है, जिस पर ब्रांडी मान जाती है क्योंकि ब्रांडी अपने लिस्ट के बाकी टास्क भी तो कंप्लीट करना चाहती थी। इसके बाद दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ मूवी देखते वक्त ब्रांडी को अपने तीसरे टास्क का ख्याल आता है और वो कैमरॉन के पैंट में अपना हाथ डालकर कैमरॉन के नुन्नू को हिलाने लगती है। इससे कैमरॉन को काफ़ी मज़ा आता है और इसी के साथ ब्रांडी का ये टास्क भी कम्प्लीट हो जाता है। अगले दिन ब्रांडी रस्टी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहन कर आई होती है, लेकिन तभी स्लाइड करते वक्त उसकी ब्रा खुलकर पानी में गिर जाती है। ब्रांडी को इस बात का पता ही नहीं होता और वो ऐसे ही बिना ब्रा के सबके सामने आ जाती है और यहाँ सारे बच्चे ब्रांडी के बूब्स देख लेते हैं। और जब ब्रांडी को इस बात का पता चलता है तो वो वापस पूल में अपनी ब्रा लेने चली जाती है। वहीं पूल पर कुछ बच्चे ब्रांडी के ब्रा के साथ खेलने लगते हैं, जिससे ब्रांडी को बहुत गुस्सा आता है और वो ऐसे ही बाहर आ जाती है। फिर वो अपने बॉस को स्विमिंग सिखाती है और तभी ब्रांडी की बहन वहाँ उसे लेने आती है। अगले दिन रस्टी अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ ब्रांडी भी अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है। ब्रांडी सोचती है कि शायद रस्टी उसके ही बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो यहाँ एक छोटे बच्चे को उसकी बातें सुनने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ रस्टी को भी ऐसा ही लगता है और वो भी एक छोटे बच्चे को ब्रांडी की बात सुनने के लिए उसके पास भेज देता है। लेकिन दोनों बच्चे यहाँ कुछ गलत सुन लेते हैं और जिस बच्चे को रस्टी ने भेजा था वो यहाँ रस्टी के पास आकर कहता है कि अगर तुम पाइनएप्पल जूस पियोगे तो ब्रांडी तुम्हारा जूस पिएगी। और ये बात सुनकर रस्टी पाइनएप्पल जूस मंगवा लेता है। थोड़ी देर में कैमरॉन भी वहाँ आता है और वो यहाँ ब्रांडी से शाम को डेट पर चलने के लिए पूछता है और यहाँ ब्रांडी हाँ भी कर देती है। इसके बाद हम ब्रांडी को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ जब ब्रांडी बोर होने लगती है तो वो सभी को वाटर पार्क में ले आती है और वहीं एक लड़के का गन्ना चूसने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद ब्रांडी का बॉस वहाँ आ जाता है और वो सबको डांट लगाता है। इसके बाद हम कैमरॉन को देखते हैं, जो ब्रांडी को लेने उसके घर पर जाता है, लेकिन यहाँ ब्रांडी घर पर नहीं होती, इसलिए वो ब्रांडी का वेट करने के लिए उसके रूम में ही चला जाता है और वहीं वेट करने लगता है। लेकिन तभी कैमरॉन के हाथ में ब्रांडी का वो टू डू लिस्ट लग जाता है, जिससे कैमरॉन को ब्रांडी के सारे कारनामों के बारे में पता चल जाता है। थोड़ी देर बाद जब ब्रांडी अपने घर आती है तो कैमरॉन यहाँ उससे अच्छे से बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ब्रांडी अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे कैमरॉन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम कैमरॉन को छोड़ो और जो लिस्ट तुमने बनाई है ना उसे पूरा करो। दूसरी ओर कैमरॉन भी ये सारी बातें जाकर अपने दोस्त से शेयर करता है और फिर कैमरॉन का वो दोस्त जाकर ब्रांडी को समझाने लगता है। तभी ब्रांडी उसके गले में एक लव बाइट देखती है और पूछती है कि ये कहाँ से आया, जिस पर वो कहता है कि ये मैं तुम्हें बता तो नहीं सकता पर हाँ कर कर दिखा सकता हूँ। और ये सुनते ही हम ऑडियंस के मुँह से सिर्फ एक ही वर्ड और इस पर ब्रांडी मान भी जाती है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को ऊपर ऊपर से ही रगड़ने लगते हैं और यहाँ हम दर्शकों का दोस्ती पर से भरोसा उठ जाता है। अगले दिन कैमरॉन का वो दोस्त अपने दोस्त के पास जाता है और उससे ये बात शेयर करता है। उसके मन में भी ब्रांडी के साथ गपा गप करने का भूत सवार हो जाता है और वो ब्रांडी के पास जाकर उसे अपने घर के लिए इन्वाइट करता है। रात को ब्रांडी उसके घर जाती है, जहाँ वो भी ब्रांडी के साथ चरम सुख का आनंद लेता है। अब ब्रांडी को कैमरॉन के बारे में सोचकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है और हम ऑडियंस के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगी, वाह दीदी सल्यूट है इनको, है ना। इसलिए वो उसे कॉल करती है लेकिन कैमरॉन उसका फ़ोन नहीं उठाता। थोड़ी देर बाद ब्रांडी की दोस्त उसके यहाँ अडल्ट मूवी देखने के लिए आती है कि तभी उसकी नज़र ब्रांडी के टू डू लिस्ट पर पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि ब्रांडी ने लास्ट टाइम जिसके साथ सेक्स किया था वो उसका ही क्रश है और यहाँ वो ब्रांडी से गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन हम वाटर पार्क को देखते हैं, जिसे दूसरे वाटर पार्क वालों ने ख़राब कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए वो लोग भी रात को दूसरे वाटर पार्क में जाकर उसे ख़राब कर देते हैं। इसी दौरान ब्रांडी और रस्टी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। अगले दिन वाटर पार्क का मालिक अपने पार्क की यह हालत देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और तभी उसे वहां पर ब्रांडी की ब्रा भी मिलती है, जिस पर ब्रांडी का नाम भी लिखा होता है। इसलिए वो सीधा ब्रांडी के वाटर पार्क में जाता है और वो यहां उसके बॉस से कहता है कि अगर तुमने अभी ब्रांडी को काम से नहीं निकाला तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। अब यहां उसके पास कोई और रास्ता तो होता नहीं है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी ब्रांडी को काम से निकाल देता है। घर आने के बाद ब्रांडी को अपने मौत के कुएं में उंगली करने का मन होता है, पर तभी यहां उसकी मॉम आ जाती है और वो यहां ब्रांडी को एक क्रीम देकर कहती है कि इसे अपने कुएं के आसपास लगा लेना, इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। इसके बाद ब्रांडी रस्टी को फोन करती है और उसे डेट के लिए पूछती है, जिस पर रस्टी मान जाता है। फिर उसी रात ब्रांडी की बहन ब्रांडी को अच्छे से तैयार करती है और उसे सेक्स कैसे करना है इसके बारे में अच्छे समझाती है। फिर ब्रांडी रस्टी से डेट पर मिलती है और वो दोनों रस्टी के कार में इंटीमेट होने लगते हैं। अभी ब्रांडी का कुछ हुआ भी नहीं था कि रस्टी का रॉकेट अपना फ्यूल छोड़ देता है, जिससे ब्रांडी काफी डिसअपॉइंट हो जाती है। अब ब्रांडी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे सामने की कार में अपने डैड दिखते हैं, जो कि ब्रांडी के मॉम के साथ रगड़ा रगड़ा ही खेल रहे थे। ब्रांडी ये सब देखकर घबरा जाती है और रस्टी को जल्दी से घर चलने को कहती है। दूसरी तरफ घर में ब्रांडी की बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन तभी यहाँ उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और उन दोनों को साथ में पकड़ लेते हैं। यहाँ ब्रांडी की मॉम अपनी बेटी से कहती है कि तुम दोनों जल्दी से अपना काम खत्म करो और इस लड़के को यहाँ से जल्दी बाहर भेजो। इसके बाद हम ब्रांडी को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के यहाँ जाती है और यहाँ उससे माफी मांगती है। वो दोनों भी ब्रांडी को माफ कर देती है और फिर से ये तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और हम ब्रांडी को कॉलेज में देखते हैं। यहाँ वो कैमरॉन से मिलती है और ये दोनों एक दूसरे को
सॉरी बोलते हैं। फिर वो दोनों ब्रैंडी के रूम में जाते हैं और यहाँ ये दोनों दबा के संभोग करते हैं। और अब ब्रैंडी के टू डू लिस्ट के सारे टास्क कंप्लीट हो चुके थे और इसी तरह ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।